नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया। आप देख रहे हैं भाई टी मीडिया। मैं हूं इस समय आलू मंडी सातनपुर फरुखाबाद में। आज मौसम साफ है, एकदम धूप निकली हुई है। कई दिन से धूप नहीं निकली थी और आज तो मौसम साफ दिख रहा है एकदम। मंडी का जानते हैं कि क्या भाव रहा है। आमदनी तो लगभग वही 125-150 मोटर के आसपास लग रही है और यहीं पे जान लेते हैं। यहाँ पे सभी क्वालिटी के आलू दिख रहे हैं मुझे, तो जान लेते हैं कि भाव क्या रहे हैं। और अगर आप जो है हर रोज फरुखाबाद की मंडी से अपडेट रहना चाहते हैं और आलू की अपडेट से अपडेट रहना चाहते हैं तो YouTube पर भाई टी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो उससे होगा ये कि आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आप तुरंत वीडियो देख पाएंगे, आपको भाव मिल जाएंगे। और दूसरी भी खबरें कुछ आलू से रिलेटेड होती हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगी। अगर आप फेसबुक यूट्यूब के अलावा फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पर भाई टी मीडिया पेज को लाइक कर सकते हैं। आप भाई टी मीडिया ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और ग्रुप में आप अपनी भी कोई पोस्ट डाल सकते हैं। तो और जानते हैं कि आज क्या रहे हैं फरुखाबाद मंडी में आलू के भाव। ये यहाँ पे तौल शुरू हो गई है। और ये किसान कहाँ गए हैं आप लोग भैया? कहाँ, कौन सी जगह पड़ता है? सिरोली की तरफ, पिपर गाँव सिरोली की तरफ। अरे नहीं, अच्छा, ये फरुखाबाद पश्चिम साइड में ही पड़ जाएगा। अच्छा, आप कहाँ से? छतुरापुर की तरफ, शमशाबाद। अच्छा, इस बार आप लोग उधर नहीं जा रहे, जलालाबाद नहीं जा रहे हो? जा रहा है, बराबर जा रहा है। वो पुल चालू हो गया क्या? हाँ। वो टूट गया था, सही हो गया, ढोल वाला बन गया। अच्छा, उससे निकल जाते हैं पीपो वाले? अच्छा अच्छा, मतलब जाने की व्यवस्था हो गई है। हो गई। अच्छा, तो आज फरुखाबाद लाए हो? फरुखाबाद लाए। अच्छा, बिक गया आलू आपका? क्या रेट बिका? 550 रुपया। 550 रुपया क्विंटल। अच्छा, आपके यहाँ कोई झुलसा बुलसा की शिकायत है क्या? है? अच्छा, आप कहाँ से हैं? नियामतपुर ठाकुरा। लोग बता रहे हैं कि झुलसा लगा है, लोग ये भी कह रहे हैं आलू खूब निकल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है भैया? निकल रहा है आलू, निकल रहा है नहीं, टाइम पूरा उससे कोई मतलब है? पीरियड पूरा हो गया, उसमें तो आलू जो पैदा हो रहा है हो चुका पूरा, ढाई महीना, मतलब ढाई महीने के बाद लगा है? ढाई महीने के बाद लगा, ढाई महीने के बाद, डेढ़ महीने का झुलसा। आगे आ जाओ थोड़ा सा, क्या बता रहे? जब डेढ़ महीने का झुलसा लगेगा तब आलू छोटा रह जाएगा, जब दो महीने ढाई महीने का आलू हो गया, ख्याति और पुखरा से आलू भरती वैसे हो जाते बड़े। अब तो मतलब 97 और चिपसोना जो होता है वो छोटा होगा, लेट का है, लेकिन उनमें दवाइयों से कंट्रोल में है। अच्छा, तो मतलब जो पिछाए आलू होंगे उनमें फर्क पड़ सकता है? पिछाए ज्यादा है जो वो, जो उनमें फर्क पड़ सकता है, लेकिन कोई पिछाए नहीं, सब एक ही साथ है। 10-15 दिन में आलू सारा गले तो सब 1 नवंबर से ही लगभग सब साथ में ही गड़ गए। 25 तारीख शुरुआत हुई थी, 25 अक्टूबर शुरुआत हुई थी और बहुत ज्यादा 10 तारीख तक सब 25 तारीख 15 दिन में सब आलू गड़ गया। हाँ, तभी तो मतलब मैं लोगों से पूछता हूँ क्या पैदावार क्या मिल रही होगा? एक एक लोग बात करो तो सुनाई देगा सही से। जैसे लोगों से पूछता हूँ क्या पैदावार मिल रही, तो वो आदमी बोलता 40-45-50। तो 40-45-50 अगर निकल रहा है तो आलू अच्छा ही निकल रहा है, खराब नहीं निकल रहा है? निकल रहे 40-45-50 के साथ नहीं निकल रहे, किसी को 35-40 के आसपास निकल रहा है। 35-40 का एवरेज है, 35-40 का एवरेज है। और वो भी जिनमें मतलब ढाई महीने खुद रहे वो 35-40 निकल रहे होंगे, ढाई महीने से कम वाले 35-40 नहीं निकलेंगे। ये वाले आलू कैसे निकले, ये किसके हैं आलू? ये आलू बिका है भैया 541 रुपया। ये देखो, ये बिका पीली मिट्टी का आलू है, लेकिन साइज मीडियम है, इसका साइज मीडियम है, 541 रुपया क्विंटल बिका है ये। और ये कौन किसान कौन है इसके? किसान है। आपका है ये, निकला कैसा है ये वाला? ये तो मीडियम साइज है। अरे नहीं, ये वाला किसका? हम ये पूछ रहे आपका है भैया, आपका है भैया। ये आलू कितने पैकेट का निकला होगा? मीडियम साइज है ये, 20-25 पैकेट बिघा निकला है। हाँ, ये साइज मीडियम है, तो मीडियम वाले जो है कम निकलेंगे।
और जिनके मोटे आलू निकल रहे हैं वही 40-45 रुपए के निकल रहे होंगे। उधर वाला है निकला है। अच्छा अच्छा, वो देख लेंगे अभी आपका। और सुमित जी तुम अभी एक मिनट, आज बाजार कैसे रहे हैं वो बता दो। भैया सुबह भी गैस 11 रुपए बढ़िया आलू। तो अभी तो सुबह ही है। सुबह नहीं है, पहले बीत गया। अच्छा, जो पल पहला जो समय चलता है सुबह का बिल्कुल गया, उसके बाद आलू भी का 550 रुपए। आपकी पोजीशन ये है 450 रुपए से लेके 500-550 रुपए। ये पोजीशन है मतलब 2 घंटे में इतना अंतर हो गया। अच्छा। बढ़िया आलू आज कहाँ तक बिके हैं? बढ़िया आलू बिके हैं 550-600 रुपए। 550-600 रुपए। और जो पीली मिट्टी बहुत बढ़िया आलू एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी 10-11 रुपए। 610-11 रुपए मतलब ऊपर, मतलब 650 से ऊपर कोई नहीं होगा? नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं होगा। मतलब 610-11 और ज्यादा कोई होगा तो 650-600 तक। और निवल वाले 500 रुपए तक बिके? निवल 500 रुपए तक। और ये वाले बिके हैं अपने 611 रुपया। 541 सॉरी 541, 611 वाले आगे हैं। ये 541 रुपया बिका। ये वही ढेर है ना? ये भी 541 है। अच्छा, ये वाला भी 541 है आगे। अच्छा, ये पीली मिट्टी के जो है आलू 541 रुपया बिके। मीडियम साइज है ये साइज। हाँ अच्छा, वो देख लेंगे। ये 541 रुपया बिका है। ये काली मिट्टी वाला बिका कि नहीं बिका अभी? नहीं बिका। अच्छा, ये काली मिट्टी वाला बिका नहीं है ये। और ये वाला इनमें तो कोई बिका है? ये भी 541 बिका। अच्छा, ये भी 500, ये मीडियम साइज ही है। 541 रुपया बिका। ये भी 541 रुपया कुंतल। और ये ट्राली दो तीन जो है, हाँ ये मोटी है। इसके किसान कौन है? ये इसके किसान ये लोग कौन है? आपका है? इधर आओ जरा। ये इसमें क्या पैदावार निकली होगी? 40 रुपए गिर जाएगा। हाँ, ये वाला मोटा आलू है तो ये हो सकता है 40 रुपए गिर जाएगा। ख्याति है ना, पुखराज है, ख्याति है। और बिका 611 रुपए ना। ये देखो मोटा आलू, और ये भी पीली मिट्टी का ही है। 611 और 611 रुपया कुंतल बिका है। ये मोटा आलू है एकदम। और ऐसे जो मोटे आलू निकल रहे हैं उन्हीं में पैदावार अच्छी है, और जो मीडियम साइज के निकलते हैं आलू जैसे इधर वाला है ये, इनमें पैदावार कम मिल रही है। लो भैया, लाल ढूंढ रहे थे बहुत देर से मार्केट में, तो लाल अब जाके मिला। बहुत बढ़िया आलू है, एकदम मोटा आलू। इतना मोटा आलू अभी लाल आ नहीं रहा है, और लाल आता है तो कोई निबल आ जाता है एकदम। और पुखराज है मेरे ख्याल से। किसान कौन है? किसान आपका है? पुखराज ही है ना? अच्छा, इधर आ जा। और ये हमारे साथ आलू आरती, क्या नाम है भैया अपना? संतोष दुबे। आज क्या ऐसा बिके है लाल? 901 रुपया। लाल का बाजार अच्छा चल रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन आ ही नहीं रहा है मार्केट में, डिमांड बड़ी अच्छी है लाल की। लाल के आई नहीं। लाल को 2-4 ट्राली मंडी भरे मिले। एक दो? अरे एक दो ट्राली मतलब 2-4। हम ढूंढ रहे तब से शुक्ला जी मिल गए मुझे। शुक्ला जी ने बताया कि वहाँ पे है लाल। तो दादा निकला कैसा ये? पुखराज है? कितने महीने का हो गया ये? 2.5 महीने का। तो 2.5 महीने में ये वाला तो अच्छा निकल आता है फिर? हाँ, निकलता अच्छा, लेकिन कम निकलता। कम निकलता। कितने पैकेट निकलता होगा ये? 40 पैकेट। 30-35 पैकेट। अच्छा, और ये अपना जो कंचन आता है लाल, कंचन 2.5 महीने में नहीं हो पाता होगा? नहीं, 3 महीना चाहिए। अच्छा अच्छा, कंचन और पुखराज लाल दोनों की रेट एक ही है इस टाइम पे? मतलब ये सबसे गोल में ये आगे सबसे। अच्छा, अरे शुक्ला जी कहाँ चले गए आप? अगल में वो नहीं है जो क्रूड़ा है, क्रूड़ा है इसे जो पंजाब में नया चला है, क्रूड़ा आलू है। क्रूड़ा, लेकिन लोग इसको पुखराज ही बोलते हैं। पुखराज का साइज लंबा होता है और वो लंबा होता है, कोई बात नहीं है। तो ये मोटाई जल्दी पकड़ जाता है, उत्पादन 2 महीने में हो जाता है। अच्छा, 2 महीने में हो जाता है, जल्दी तैयार होता है। हाँ, सबसे इसका उत्पादन जल्दी हो जाता है, और आम भाषा में इसे पुखराज बोलते हैं, लाल पुखराज। जी 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 जी, वैसे इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो कूड़ा करके है। और इसके क्या
बता रहे हैं वो लाया था। और एलआर अपने यहाँ बिल्कुल नहीं मिलता है। एलआर तो वो अपने यहाँ नहीं उत्पादन होता है, वो चिप्स में होता है। इंदौर वगैरह में एलआर की ज्यादा वो रहती है। पंजाब पंजाब क्रूडा वही करता है। अच्छा, तो इसमें लाल आलू कम आ रहा है मंडी में और इसलिए थोड़ा महंगाई ज्यादा है। लाल डिमांड भी अच्छी है, डिमांड भी अच्छी है, डिमांड है तभी तो महंगाई है। हाँ भाई, तो डिमांड अच्छी है, जबकि इसके बाजार चल रहे हैं सफेद वाले के बाजार चल रहे हैं 600 रुपए ऊपर के बाजार, ऊपर के मतलब 600 ऊपर ऊपर बता रहे हैं 550 के बाद। हाँ, ऊपर के बाजार बता रहे हैं 600 रुपए, 500 से 600 रुपए बाजार है। और इसका बाजार है 900 रुपए, आने लगा शुरू हो जाएगा 8-10 दिन शुरू हो जाएगा। कंचन वगैरह जो गड़े होंगे वो 3 महीने के होंगे तभी आएंगे। असल में लाल जब इसकी गड़ाई शुरू हुई थी तो पानी बरसा अपने यहाँ जी, तो इसलिए वो यहाँ थोड़ा प्रभावित है, लाल प्रभावित। अच्छा अच्छा, ये है हमारे साथ आलू आरती नीरज जी है और हरिचंद्र राजपूत जी है। थोड़े आगे आ जाओ, उनको दिक्कत होगी नहीं तो। बस 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 थोड़े ऐसे अंदर। हाँ, आज क्या बाजार की पोजीशन है आज भैया? आज हमने आलू बेचा है 571 रुपए से लेकर 601 रुपए तक। अच्छा, 571 से 601 रुपए तक, और बढ़िया वाले। हाँ, बढ़िया सुपर आलू 601, पीली मिट्टी के मोटे आलू। अच्छा, तो बाजार तो ऐसे कल भी ऐसे ही थे बाजार, लगभग बाजार 500 रुपए से लेकर 600 रुपए तक चल रहा है। अच्छा, 6-7 दिन से निवल आलू 500 की रेंज में है। अच्छा, और जो सुपर आलू है वो 600 की रेंज में, 10-5 ऊपर नीचे, 10-5 ऊपर नीचे। कोई 611 बिक गया, कोई 585 बिक गया। आज कोई 625 बिका है क्या? नहीं, 625 तो बिका होगा, इधर तो नहीं बिका। 11 रुपए तो अभी नजर में आया है। हमने 605 तक बेचा, 605 तक बेचा है। हाँ, तो 10-5 रुपए ऊपर नीचे हो सकते। अच्छा अच्छा, आज आपने क्या क्या रेट बेचे? आज तो 581 रुपए बेचे। 581 रुपए मीडियम मीडियम क्वालिटी का है या अच्छा ही है? अच्छा, तो एवरेज भाव मतलब 550 रुपए समझा जाए? 550 रुपए 500-600 का एवरेज। हाँ, उसमें 10-5 नीचे हो सकते हैं, 10-5 ऊपर हो सकते हैं, 50 का एवरेज। क्योंकि 600 रुपए में तो वही पीली मिट्टी बढ़िया, बहुत बढ़िया आलू बिक पाते हैं, सुपर छठा क्वालिटी। तो वो ज्यादा होते कहाँ है? वो ज्यादा मंडी में 10 पड़ते हैं। आज आवक कितनी होगी लगभग? आवक 40 मोटर, 150 गाड़ी, 150 मोटर के आसपास। दादा, ये वाले आलू क्या रेट बिके अपने निवल वाले? 511। ये देखो आलू निवल टाइप का है, एकदम जो बहुत ही मीडियम है, छर्री साइज है एकदम। और ये बिका है आपका 511 रुपया कुंतल। और ये वाले क्या है बिके? ये 605। और ये है पीली मिट्टी का आलू, ये बिका है 605 रुपया कुंतल। कौन आप दादा, कहाँ से हैं? हाँ, भाई 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 रहो, भाई रहो। आपका कौन सा आलू था? ये निवल वाला था आपका। अच्छा, कहाँ से आए? करम, ये कौन सा एरिया बताओ यार, मुझे गांव से थोड़ी पता चला। झसी, झसी की तरफ। अच्छा, झसी की तरफ जुल्दा बुल्दा की शिकायत नहीं है? है। अच्छा, ये क्या भाई वही वाला आलू है, जुल्दे वाला है क्या? फिर ये निवल निकला थोड़ा सा, खेत में कमी थी उसकी वजह से। आपका आलू कौन सा है? ये वाला है। ये वाला क्या रेट बिका है? 601 रुपया बिका है। अच्छा, हमने यार 605 बोल दिया है। अच्छा चलो, 601 होगा, हमने 605 बोल दिया, आपका ही भाव सही है। ये भैया 605 नहीं, 601 रुपया बिका है। और कहाँ से हैं आप लोग? ये चक्करपट्टी का है, चक्करपट्टी सिरोली, सिरोली की तरफ। अच्छा, निकल कैसे रहे आलू आपके इधर? पचास पैकेट निकल रहा है, लोग ये भी बता रहे, झुलसा भी लगा है, और ये भी 50 पैकेट निकल भी रहा है। नहीं, फिर 50 पैकेट कैसे निकल रहा है? अच्छा, इनमें मतलब ये ढाई महीने को तुम लोग आलू के ऊपर चढ़े हो, उधर खड़े होते तो ज्यादा अच्छा था, ये आलू खराब करोगे। ये वाला तुल्ला, ये किसका आलू है?
अच्छा ये एक ही है ये? अच्छा एक ही गांव को है सब। अच्छा अच्छा ये वाला भी है, ये वाला भी एक ही है? अच्छा ये कैरेट भी का है? 601 रुपया। अच्छा ये भी 601 रुपया, मतलब ये सारा सारा 601 रुपया ही बिका है। अच्छा ये हमारे साथ हैं आलू आरती नरेंद्र राजपूत, और ये किसान है भैया, कहाँ से दादा? ये नंगला खई, हमारे गांव के ही किसान है। अच्छा अखई नंगला जी। और ये बसारत जी हैं, बसारत ना, राम बुजारत, ये व्यापारी हैं भैया। आज क्या हिसाब से बिके आलू आज? ये आलू आज बढ़िया आलू थे, नंबर एक वाले, ये 611 रुपए बेचे हैं। अच्छा और जो थोड़े डाउन क्वालिटी के आलू हैं, सेकंड ग्रेड वाले, वो आपके 500 से लेके 550 के। अच्छा तो आज बढ़िया ही वाले आलू बिके हैं 600 रुपए के? हाँ, जो अच्छी टॉप क्वालिटी के आलू हैं वो जो है आपके 600 से लेके 650 रुपए तक बिके हैं। 650-600 में तो मुझे कोई नजर में आया नहीं है, एक आध कोई बिके होंगे, लेकिन बस रेंज यही है कि 600-610-11 यही है। एक आध ही कोई बिक गए होंगे भाई, मतलब वही 611, कोई 611 बिक गया है, बस यही है, और कोई 601 बिक गया है, किसी 605 बेच लिया है, बस। बढ़िया पीली मिट्टी के मोटे आलू, मतलब 600 रुपए के ऊपर, 10-5 रुपए ऊपर बिक गए आज। बिल्कुल यही है। और उससे नीचे वाले वही 85-85 रुपए के आसपास रहे होंगे? उससे नीचे वाले वही 550-550, कुछ जो ज्यादा निबल झला टाइप में है वो 500-550 रुपए। मीडियम आलू 550 के आसपास, बस मीडियम क्वालिटी जो है वो 550 की मान लीजिए। आप तो सुपर क्वालिटी का ही लेते हैं सब माल, है मीडियम नहीं चलता है आपको? उनको एक नंबर माल चाहिए था, बिल्कुल टॉप क्लास। अच्छा तो ये वाले अपने, ये सब आपने लिए हैं? हाँ। यस मार का? यस मार, 3 का मार। अच्छा ये देखो, ये बिका है आपका 611 रुपया क्विंटल, मोटा आलू है एकदम, ख्याति है भैया। ये देखो एकदम मोटा आलू है और 611 रुपया क्विंटल बिका है। ये पीछे भी ट्राली इसी में है क्या? वो पीछे वाला। अच्छा और ये बुजारत जी का है, ये यस मार का है, ये और पीछे। अच्छा ये बहुत सिल गया है। अच्छा ये आलू है 611 वाला, 611 रुपया क्विंटल। आज पीली मिट्टी के आलू ऐसे ही बिक गए 600 रुपए के आसपास।